बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन आलू के कबाब, कह लें चिकन आलू कटलेट्स कह लें। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तकरीबन मेरा 100 ग्राम के करीब चिकन है बोनलेस, मैं इसको इसमें डाल दूँगी और इसी के साथ मैं डाल दूँगी इसमें एक गिलास पानी। और ये मैंने तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल दूँगी इसमें। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, बहुत मज़े का टेस्ट आता है इसका जिंजर गार्लिक पेस्ट का। और ये है 1 टीस्पून नींबू का रस, नींबू का रस ले लीजिए या आप सिरका ले लीजिए, मैंने नींबू का रस लिया है। और 1 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून ज़ीरा। अब हम इसको देखेंगे कि हमें इतना पानी चाहिए कि हमारी जो ये है ना चिकन, ये डीप हो जाए। तो मुझे ये कम लग रहा है पानी, तो मैं इसमें अभी आधा गिलास पानी और डालूँगी। अभी हमारा चिकन फुल डीप हो गया है। और ये है हमारा 1 टीस्पून सॉल्ट। अब हम इसे बॉईल कर लेंगे, बॉईल जैसे ही इसमें उबाल आएगा हम इसको जो है वो हल्का कर देंगे। हमें बिल्कुल ही टेंडर चिकन चाहिए, बिल्कुल हलवा के हम उसे प्रेस करें और वो बिल्कुल डल गल जाए। तो इसको जो है मैं उबालूंगी नहीं, मैं ये पानी इस चिकन में खुश कर लूँगी, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं और उबाल लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है चिकन का अपना फ्लेवर तो उबालने के बाद निकल ही गया। तो मैं उबालने में कोशिश करती हूँ कि ये वाली चीज़ नहीं करूँ। तो देखिए बॉयल आना शुरू हो गया, अभी जैसे ही उबाल आएगा मैं इसका चूल्हा हल्का कर दूँगी और इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए हमारे चिकन में उबाल आने लगा। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के, ये है पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई हरी मिर्चें। साबुत हरी मिर्च और धनिया मैंने पीस लिया था, ये मेरा उसका पेस्ट है। क्योंकि जब मैं कटलेट बनाऊँगी और अगर मैं उसमें ये साबुत साबुत सा आएगा ना, तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल पसंद से नहीं खाएंगे। तो मैंने टेस्ट लाने के लिए ये तीवन लगाया। अगर आप लोग के बच्चे खा लेते हैं तो आप लोग वैसे भी डाल सकते हैं कि आप जो है वो उसमें काट के डाल दें बारीक बारीक। जी हाँ, देखें पानी खुश्क होने पे आ रहा है, मैं इसे तेज़ आंच पे बिल्कुल खुश्क कर लूँगी कि इस पे जो मसाला है वो सब सारा चिकन पर लिपट जाए। और फिर मैं इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैं एक ग्लास लूँगी, उसकी बैक साइड से इसे खूब प्रेस कर करके इसकी बोटियों का रेशा बना लूँगी, क्योंकि हमारी चिकन बिल्कुल ही टेंडर है तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें, और ये सारा जो है हमारा बहुत आसानी से रेशा बन जाता है। जितना अच्छा रेशा होगा ये उतना अच्छा आलू में मर्ज हो जाएगा। मैंने तकरीबन यहाँ पर लिए हैं तकरीबन ये आधा किलो करीब के करीब आलू है, इनको मैंने उबाल कर छील कर ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें भुना कुटा धनिया डालूंगी, इससे जो है मुंह में जब दरदरापन आता है तो बहुत मज़े का लगता है। 1/2 टीस्पून कुटी हुई अजवाइन डाली है इसमें, 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैंने डाला है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को डालकर अब मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अगर आपको ऐसा लगे कि जब आपने कॉर्नफ्लोर डाला और आपको ऐसा लगे कि इसमें थोड़ा सा गीलापन है, गीलाहट है, तो आप उसमें और कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कॉर्नफ्लोर की तादाद आप इतनी ही रखें, मुझे इतनी सही लगी थी तो इसलिए मैंने इसमें इतना ही डाला था। अगर आपको ज़रूरत लगे कि हाँ ये गीलाहटपन आ रहा है तो फिर आप उसमें और कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी प्लेट को पहले ग्रीस कर लूँगी ऑयल से, ताकि जब मैं अपने कटलेट्स को शेप दूँ रखूँ प्लेट में तो वो चिपके नहीं। तो उसके लिए आपके लिए बेहतर है कि आप अपनी पहले प्लेट ग्रीस कर लें। अब मैं अपने कटलेट्स को शेप दूंगी, मैं गोल शेप दे रही हूँ, आप चाहें तो उसमें अलग अलग शेप्स दे सकते हैं। पहले मैं हाथ में भी हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी और उसके बाद इसकी शेप देना शुरू कर दूँगी। यहाँ मैंने सारे कटलेट्स को अपनी शेप दे ली है। अब मैं एक अलग प्लेट में एक अंडा लूँगी और इसी में डाल लूँगी मैं 1/2 टीस्पून के करीब कुटी हुई मिर्चें, सॉल्ट टू टेस्ट। अब मैं इसको बीट कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा दूध भी डालूँगी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। उससे थोड़ा और ही फ्लफ़ी हो जाएगा और थोड़ा और लिक्विडी हो जाएगा, तो फिर मुझे कटलेट्स में कोट करने में आसानी रहेगी। इसे हम अच्छे से जो है बीट कर लेंगे फोक की मदद से। और ये प्लेट में मैंने अलग एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स निकाल लिए हैं,
आप चाहें तो इसे इसको पाउडर बना लें, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही ले लें। मैं इसको ऐसे ही यूज़ करने वाली हूँ। अब मैं कोडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं अंडे की कोडिंग दूंगी अच्छे से, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स की कोडिंग कर लूँगी, और ऐसे ही मैं अपने सारे कटर्स जो हैं वो कोडिंग से कोडिंग कर लूँगी, ब्रेड क्रम्स और एग की। अब मैं यहाँ एक पैन में जो है अपना ऑयल गर्म करने के लिए रख दूँगी। ऑयल को हम सही तरह से गर्म कर लेंगे, उसके बाद ही अपने कटलेट्स डालेंगे, क्योंकि जैसे ही हम अपने कटलेट्स डालेंगे उसका टेम्परेचर फ़ौरन से लो हो जाएगा, तो जो है और हमारे कटलेट्स जो आलू हैं वो सारा तेल अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेंगे, फिर वो बहुत ऑयली ऑयली हो जाएगा। तो इस वजह से हमें फ़ौरन गर्म में ही हमने वो डालने, ताकि वो एकदम से सडन लो होते ही हमारी ऑब्जॉर्व ना करें अपने अंदर ऑयल। तो हम इसकी आँच का ख्याल रखेंगे, इसको हमने मीडियम से ना ऊपर करना है ना नीचे करना है, मीडियम ही रखना है, क्योंकि जब हम पलटेंगे तो फिर हमारी आँच जो है वो हमारा ऑयल जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से हमें अपनी आँच का ख्याल रखना है। अच्छा, ये जितने अच्छे गोल्डन ब्राउन होंगे ये उतने मज़े के लगेंगे, ऊपर से उतने क्रिस्पी होंगे, जितने क्रिस्पी होंगे उतने टेस्टी लगेंगे। तो इसी के साथ साथ आप लोगों से एक इल्तिजा करने चाहूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि आप सब लोग मेरी वीडियोस देख तो रहे हैं बट ना लाइक हो रहे हैं और ना मेरा चैनल सब्सक्राइब हो रहा है।